नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तारीख है दोस्तों 16 मार्च 2024 सैटरडे का दिन है एक सवाल है आपने पूछा वाला सीरीज में मैं उसको शामिल कर रहा हूं और वो आप ही लोगों में से किसी भाई ने भेजा है तो सबसे पहले चलते हैं उनका सवाल देख लेते हैं कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या लिख रहे हैं उनका एक सवाल है कि बहुत ही अच्छा है सर आप का, का यहाँ पर एक सवाल है मैं आपको सबसे पहले वो सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वो सवाल बहुत अच्छा है विलास पाटिल फोर फाइव सिक्स सेवन उनका सवाल है हाय सर मुझे भी स्टॉक में इन इंट्रा ट्रेडिंग करनी है लेकिन बहुत लोग बोलते हैं स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं होती बाय और एग्जिट में प्रॉब्लम आती है क्या ये सही है देखिए इनका सवाल है ट्रेडिंग रिलेटेड और वो भी स्टॉक्स में रिलेटेड तो इनका इनको किसी लोग की कोई व्यक्ति ने कन्फ्यूज कर दिया है आ या बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे तो कन्फ्यूज हो गएंगे कि स्टॉक्स पे लिक्विडिटी नहीं होती इसकी वजह से आपको वहाँ पे एग्ज़िट करने में दिक्कत होता है एंट्री एग्जिट में दिक्कत होता है ऐसा इनका मानना है कुछ लोगों के हिसाब से और जाहिर सी बात है कि ये जो जब एग्ज़िट नहीं कर पाएंगे एंट्री नहीं ले पाएंगे स्टॉक्स में तो क्यों करेंगे फिर स्टॉक्स में ट्रेड सवाल तो ये है तो लोग कहाँ चले जाएंगे ऑप्शन में चले जाएंगे है ना बैंक निफ़्टी निफ़्टी में और वहां फिर भयानक लॉस हो जाएगा तो विलास पाटिल साहब मैं आपके इस सवाल से बहुत पहले आपको धन्यवाद दूंगा और मैं बता दूं कि में लिक्विडिटी होती है सर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है देखिए आपके पास आपके आस पड़ोस में देखिए आपके फैमिली के पास देखिए किसी के पास ज्यादा पैसा होगा और किसी के पास थोड़ा कम पैसा होगा और किसी के पास बहुत कम पैसा होगा और तीनों आदमी एक मॉल में चले गए मान लेते हैं तीनों आदमी एक मॉल में चले गए सामान खरीदने तो जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो मोल भाव ज्यादा नहीं करेगा है ना मोल भाव नहीं करेगा कहेगा कितना भाव कितने में ये कपड़ा कितने में दिए जी कहेगा चार सौ रुपया मीटर चलो दो मीटर दे दो और जिसके पास कम पैसा होगा वो थोड़ा मोल भाव करेगा यार तीन सौ अस्सी लगाओ ना क्या बात करते हो यार चार सौ लगा और जिसके पास बहुत कम होगा वो कहेगा दो सौ में दोगे है ना दो सौ में दोगे दो सौ रुपया मीटर इस हिसाब से तो कहने का मतलब है कहा वो चार सौ रुपये मीटर बोल रहा है और कहां ये दो सौ रुपया बन रहा है तो कितना डिफरेंस है डिफरेंस है अब यहाँ पे क्या ट्रेड बनेगा दोनों के बीच में ट्रेड नहीं बनेगा रीजन क्या है इसके पास लिक्विड कम है कैश कम है और यहाँ पर आपका सेलर बैठा है ऊपर के भाव पे सेलर ऊपर के भाव पे है और आपके पास कैश कम है तो इसके वजह से आप क्या कर रहे हैं वहां पे बार्गेनिंग कर रहे हैं ट्रेड नहीं बन पा रहे लेकिन जहां पर लिक्विड ज्यादा है यानी कैश ज्यादा है वो तुरंत सेम टू सेम भाव पे लेके चला गया स्टॉक्स में भी सेम होता है सर स्टॉक्स भी दो तीन कैटेगरी के, के होते हैं मैं आपको बता एक एक होता है एक होता है है लिक्विड स्टॉक और ऐसे जिसमें लिक्विडिटी ना के बराबर होती है बहुत कम होती है यानी कि जिसमें बायर और सेलर दूर दूर बैठे होते हैं वहां पर ट्रेड नहीं बन पाता है अब आपको जिन लोगों ने बोला है कि स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं है वो भाई साहब को एक्चुअली खुद में नहीं मालूम है हो सकता है वो बहुत ज्ञानी आदमी होंगे आई डोंट नो लेकिन मुझे जहां तक आइडिया लग रहा है अगर आप किसी को सुन के बोल रहे हैं तो एक्चुअली उनको खुद को नहीं मालूम है कि स्टॉक्स के प्रकार होते हैं लिक्विडिटी उन्हीं स्टॉक्स में आएंगे जो आप एफ में निफ्टी के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं निफ्टी के स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होती उसमें लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होती चाहे निफ्टी के निफ्टी फिफ्टी निफ्टी हंड्रेड निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के आप किसी भी स्टॉक्स को मैं आप देखें उसमें आपको लिक्विडिटी की समस्या नहीं मिलेगी आप अगर अदर इंडेक्स में जाएंगे जो कि किसी इंडेक्स में सेलेक्ट नहीं है ऐसे स्टॉक्स में जिसमें तो फ्लोटिंग स्टॉक्स की संख्या कम होती है अब यहाँ पे एक वर्ड बोल रहा हूँ फ्लोटिंग स्टॉक तो फ्लोटिंग स्टॉक का वीडियो मैंने डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे कि फ्लोटिंग शेयर क्या होता है तो फ्लोटिंग शेयर में क्या होता है कि जिसकी संख्या कम है यानी बाय और सेल करने के लिए बहुत कम छोटा संख्या रख दिया गया है आप उसमें ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक तो शेयर की संख्या कम है और बायर सेलर दूर बैठ गए तो वहां पर लिक्विडिटी की समस्या आएगी तो उन स्टॉक्स को मेन्यपुलेट कर लेते हैं लोग इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको इंटरडेट ट्रेडिंग करना है या ट्रेडिंग ही करना है तो आप निफ्टी के इंडेक्स में करिए निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स में करिए निफ्टी हंड्रेड के स्टॉक्स में करिए निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी के इंडेक्स में करिए या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में करिए आप अदरवाइज मत करिए अदरवाइज वहां लिक्विडिटी की समस्या आएगी वहां बाय सेलर दूर दूर बैठेंगे आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम करेगा क्लियर है बात समझ में आ रही है जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, अभी तो शायद ये बंद है मार्केट तो आपको यहाँ पे आइडिया नहीं लगेगा जैसे ये है, एक चार्ट मैंने खोला लेते है, कि टोटल क्वांटिटी बाय के लिए है 910 और ये एक हजार छियालीस रुपया चालीस पैसे नौ सो दस क्वांटिटी रखा गया अगर सेल इसके डिफरेंस में देखिए 40 पैसा पैंतीस पैसा तीस पैसा पच्चीस पैसा बीस पैसा ऊपर भी देखिए पैंतालीस पैसा पचास पैसा पचपन पैसा पांच पांच पैसे के डिफरेंस पे बायर और सेलर बैठे हुए हैं लिक्विडिटी की समस्या नहीं है पांच पांच पैसे के भाव पे डिफरेंस पे बायर और सेलर बैठे हुए हैं वहां पे लिक्विडिटी की समस्या बिल्कुल भी नहीं है क्यों क्योंकि ये निफ्टी इंडेक्स का निफ्टी फिफ्टी के इंडेक्स का स्टॉक है बैंक निफ्टी का भी स्टॉक है एक्सिस बैंक क्लियर आ गया बात समझ में वैसे तो स्टॉक जिसमें जो फ्लोटिंग शेयर कम है या जो किसी इंडेक्स में शामिल नहीं है जिसको मैनिपुलेट करना है तो उसमें दूर होते हैं जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ एक है ऑर्किड फार्मा आई थिंक यहाँ ऑर्किड फार्मा अभी आप चार्ट देखिए सब समझ में आ जाएगा अब यह है आपके पास ऑर्किड फार्मा इस पर आते <laughs> अब जैसे ही यहाँ पे हम ऑर्किड फार्मा में अब यहाँ पे देखिए सेलर है उनहत्तर उनहत्तर क्वांटिटी सेलर पे उठ पैसे भी आपको पांच पांच पैसे में दिख रहा है यानी वैसे स्टॉक जिसका से बायर और सेलर बहुत नजदीक में बैठा हो पांच पांच पैसे दस दस पैसे के डिफरेंस में वहां नहीं आएगा प्रॉब्लम अगर वेल वो किसी इंडेक्स का स्टॉक है किसी वेल स्टेब्लिश इंडेक्स का है ब्रॉडर इंडेक्स का है तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम लिक्विडिटी में नहीं होती हम लोग भी करते हैं कहाँ प्रॉब्लम होती है दिक्कत पे होती है जब आप ऐसे किसी स्टॉक्स को पकड़ लेंगे जैसे चलिए एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको वो मैं आपको दिखा हाँ जैसे एक एग्जाम्पल देखा जैसे रिलैक्सो फुटवेयर एक स्टॉक है ये ठीक है इसके अगर आप अभी से लेते अभी तो ये मार्केट बंद है नहीं तो आपको पूरा क्लियर दिख, दिख जाता है पे, पे बायर और सेलर पूरा मामला दिखता है यहाँ पे डिफरेंस दिखता एक एक रुपए का डिफरेंस देखता है एक एक रुपए का यानी आठ सौ अठासी पे अगर बाहर बैठा है तो आठ सौ नवासी पे सेलर बैठा है तो एक रुपये का डिफरेंस हो गया तो अगर एक हजार एक सौ क्वानिटी लिया तो एक सौ रुपया का मूवमेंट हो जाएगा एक क्वांटिटी एक बार वो घूमेगा तो एक सौ रुपया का मूवमेंट हो जाएगा समझ रहे यानी अगर सौ क्वांटिटी लिया पांच सौ क्वांटिटी लिया तो पांच सौ रुपया का मूवमेंट हो जाएगा सिर्फ एक पॉइंट घूमने में तो बाहर सेलर दूर दूर बैठा है इसके वजह से इंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम था किसी किसी में तो पांच पांच रुपया दूर में बैठे रहते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम करता है सारे लोगों को करेगा सिर्फ आपको क्या सारे लोगों तो जिनका भी आपने वीडियो देख के ये बात कंफ्यूजन किया है दिमाग में कि स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं है तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई स्टॉक्स में लिक्विडिटी सही मैं कहा कि नहीं होती है लेकिन उन स्टॉक्स में जिनको मैनुपुलेट करना आसान है जो किसी इंडेक्स का हिस्सा नहीं है और जो कि या तो आप समझिए कि कोई अदर टाइप का स्टॉक है जिसमें कम है फ्लोटिंग कम लेकिन जो वेल स्टैब्लिश इंडेक्स का स्टॉक है निफ्टी हंड्रेड का निफ्टी नेक्स्ट फिफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का या फार्मा का उन सब में लिक्विडिटी की कहीं कोई, कोई समस्या नहीं होती पांच पांच पैसे दस दस पैसे पे बायर सेलर अवेलेबल होते हैं आप वहां पे इजी वे में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं ऐसा होता है सर ठीक है बाकी आप इसको लाइव मार्केट में देखेंगे इसी चीज को एग्जाम्पल को तो आपको सेलर का डिफरेंस साफ साफ दिख जाएगा तो बहुत ही अच्छा सवाल था विलास पाटिल साहब कि लिक्विडिटी स्टॉक्स में अगर नहीं हो तो कैसे माने मैंने एग्जिट में प्रॉब्लम होता है अब वही इसी में लोग क्या कहते हैं कि लोग स्टॉक्स को वैल्यू करना छोड़ देते हैं और चले जाते हैं फिर ऑप्शन में ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है सर ऑप्शन का वर्ड है ना वो ऑप्शन है वैकल्पिक व्यवस्था है यहां नहीं तो वहां लेकिन वो है हेज करने का सिस्टम वो है आपके पोर्टफोलियो बचाने का सिस्टम आपको ट्रेडिंग लोग इसको गैमलिंग की तरह ट्रेड करने लग गए हैं लेकिन एक्चुअली में बेस जो होता है ना वो स्टॉक्स होता है अगर आप एक क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे पांच क्वांटिटी नहीं कर पाएंगे तो फिर पंद्रह क्वांटिटी का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का वो कैसे कर पाएंगे बात समझिए क्योंकि उसमें तो और भी वॉलीटिविटी बढ़ जाएगी आपकी है ना उसमें तो एक बार घूमेगा तो आपका दिल धड़का देगा तो पहले आपको स्टॉक्स पर प्रैक्टिस करना चाहिए और स्टॉक्स में लिक्विड स्टॉक्स में करना चाहिए लिक्विड स्टॉक कहाँ से मिलेगा वो मैंने इंडेक्स आपको बताया कि उस इंडेक्स से आप देखिए उस इंडेक्स के सारे स्टॉक्स आपको लिक्विड वाले मिलेंगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हाँ ये स्टॉक कैश स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसी का अगर आप एफ एन ओ में चले जाएंगे यानी माने उसका अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करने लग जाएंगे तो फिर उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा यानी कि एक एक रुपए का एफ एन स्टॉक ऑप्शन में एक एक डेढ़ रुपए का डिफरेंस मिलता है लेकिन कैश में पांच पांच पैसे दस दर दस पैसे के डिफरेंस पे ट्रेड हो जाता है सर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो उम्मीद है ये जो कंफ्यूजन था विलास पाटिल साहब आपको क्लियर हो गया होगा अगर पसंद आया है और बाकी मेरे व्यूअर लोगों को भी पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों